सेप्टिसीमिया यानी कि ब्लड इन्फेक्शन यानी कि ब्लड पॉइजनिंग एक ऐसी कंडीशन है जो कि जानलेवा हो सकती है कि जब जर्म्स खास तौर से बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं और वहाँ सेप्सिस कॉज करने लगते हैं। आज हम आपको बताएंगे सेप्टिसीमिया को कंट्रोल और मैनेज करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। मैं जब तक हूँ या जब नहीं हूँ पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे सेप्टिसीमिया के विषय में। सेप्टिसीमिया एक जानलेवा कंडीशन होती है जिसमें कि ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है। आज हम आपको बताएंगे सेप्टिसीमिया को कंट्रोल मैनेज और क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं सेप्टिसीमिया होता क्या है। सेप्टिसीमिया साथियों ब्लड का इन्फेक्शन होता है, इसको ब्लड पॉइजनिंग भी कहते हैं। सेप्टिसीमिया में जर्म्स ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं, ब्लड फ्लो में आ जाते हैं। या जर्म्स होते हैं या मेनली बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन एल्गी और फंजाई भी हो सकते हैं। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। सेप्टिसीमिया के सिम्टम्स फीवर आना, चिल्स आना, हेडेक होना, स्किन में पिगमेंटेशन आ जाना, इस प्रकार से तमाम सिम्टम्स होते हैं जो सेप्टिसीमिया के होते हैं। कॉजेस की कारणों की बात कर लेते हैं। सेप्टिसीमिया का मेन कॉज ब्लड में इन्फेक्शन होता है, इसमें भी स्टेफाइलोकोकस ऑरेंस नाम का बैक्टीरिया विशेषकर होता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। यह बैक्टीरिया का ही इन्फेक्शन हो सेप्टिसीमिया में, एल्गी और वायरस का भी इन्फेक्शन हो सकता है। सेप्टिसीमिया का एक कारण साथियों गम्स में एब्सेस होता है। इसके अलावा लंग्स में इन्फेक्शन या निमोनिया से भी सेप्टिसीमिया हो सकता है। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे सेप्टिसीमिया को कंट्रोल मैनेज क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। दवाएं साथियों कारगर है, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत दीजिएगा। चलते हैं साथियों इस सफर पे, आपको बताते हैं सेप्टिसीमिया को कंट्रोल मैनेज और क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। एक स्थिति साथियों सेप्टिसीमिया के केस में आती कि मरीज को फीबल पल्स हो, पल्स बहुत वीक हो गई हो, हार्ट बहुत वीक हो गया हो, पैल्पिटेशन हो और हार्ट संबंधित कंप्लेंट्स हो और सेप्टिसीमिया हो। यदि यह स्थिति है तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है डिजिटेलिस परपूरिया। डिजिटेलिस 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा मरीज को लाभ देती है, पैल्पिटेशन को ख़त्म करती है, हार्ट को स्ट्रांग बनाती है और वीकनेस को दूर करती है। एक स्थिति आती है साथियों किसी मरीज को सेप्टिसीमिया हो और उनके सीने में दर्द हो रहा हो, अगर यह स्थिति हो कि सेप्टिसीमिया हो उनके सीने में दर्द हो रहा हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एबीज नाइग्रा 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा मरीजों को लाभ देगी, सीने के दर्द को ख़त्म करेगी और मरीज को ठीक करेगी। एक स्थिति आती है साथियों मरीज को सेप्टिसीमिया हो, उनके कन्वर्जेंस की स्थिति पैदा हो गई हो, उनको थ्रॉबिंग हो रही हो हेड में, हेडेक बहुत ज़्यादा हो, आंखें और फेस फ्लशी रेड हो गया हो, यदि यह सिम्टम्स और सेप्टिसीमिया हो तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है बेलेडोना 200 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों शाम के वक्त फीवर आ रहा हो, सेप्टिसीमिया हो, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर हो रहा हो, फीवर आ रहा हो, मरीज को बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई हो, यदि यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है फॉस्फोरस
फास्फोरस व नीम की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ली जा सकती है। यह दवाई इस स्थिति में मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों कि मरीज को शॉक लग गया, उनकी कोई सर्जरी हुई हो, उसके बाद उनको शॉक लग गया हो और सेप्टिसीमिया हो, तो अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कार्बो वेजिटेबल्स। कार्बो वेज 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसी मरीज को लाभ देती है। एक स्थिति हो कि मरीज को सेप्टिक फीवर हो गया। सेप्टिक फीवर मतलब ऐसा फीवर जो बहुत तेज हो, शरीर बिल्कुल पत्थर की तरह हो गया हो, जहाँ लेटते हों जमीन पे या पत्थर पे तो वहाँ भी उन्हें पत्थर की तरह महसूस होता हो, इस तरह का अगर सेप्टिक फीवर हो तो इस स्थिति को ठीक करने की मैनेज करने की होम्योपैथी में दवा है पायरोजेन। पायरोजेन 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा से मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों कि कोई जानवर ने काट लिया हो, एनिमल बाइट हो, और उसके बाद सेप्टिसीमिया हो गया हो, अगर ऐसी स्थिति हो तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है अमोनियम कार्ब वो निकम। अमोनियम कार्ब 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में दी जा सकती है कि किसी जानवर ने, कीड़े ने, मच्छर ने, सांप ने मरीज को काट लिया हो, उनके लगातार उस बूंद से ब्लड बह रहा हो, ओजिंग ऑफ ब्लड हो, ऐसी स्थिति में अमोनियम कार्ब पेशेंट की ड्रग ऑफ चॉइस हो सकती है। एक स्थिति आती है सेप्टिसीमिया हो और मरीज बहुत रेस्टलेस हो, उनको एंजाइटी हो और एक एंग्विश अजीब सी बेचैनी हो, अगर वैसा मेंटल सिम्टम है तो उस स्थिति को ठीक करने की सेप्टिसीमिया को कंट्रोल मैनेज क्योर करने की होम्योपैथी में दवा आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में दी जा सकती है जब मरीज को एंग्विश हो, मरीज परेशान हो, रेस्टलेस हो, रात में 12 बजे से 2 बजे तक उनकी तकलीफें बढ़ती हों, थोड़ी थोड़ी देर पर उनको प्यास लगती हो, पानी पीने की इच्छा होती हो, अगर यह सिम्टम हो तो ऐसे मरीज की ड्रग ऑफ चॉइस आर्सेनिक एल्बम हो सकती है। एक स्थिति आती है मरीज को चोटें लगी हो, इंजरीज हुई हो और उसके बाद उनके बहुत तेज फीवर हो और सेप्टिसीमिया हो गया हो, तो अगर इंजरी से एग्रावेशन हुआ और सेप्टिसीमिया हो गया, इन्फेक्शन हुआ और सेप्टिसीमिया हो गया हो, तो उसको कंट्रोल और मैनेज करने की होम्योपैथी में एक संभावित दवा एचिनेशिया ऑगस्टिफोलिया। एचिनेशिया ऑगस्टिफोलिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है जब किसी इंजरी से इन्फेक्शन हुआ हो, आँखों से पानी आ रहा हो, वैसी स्थिति में एचिनेशिया बहुत अच्छी दवा है या इम्यूनिटी स्ट्रांग करने की भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है। एक स्थिति आती है साथियों कि मरीज को बहुत हाई ग्रेड फीवर हो, सेप्टिसीमिया हो, उनके शरीर से बहुत बदबू आ रही हो, डिस्चार्ज जैसा बदबूदार हो, पसीना बहुत बदबूदार हो, पेशाब बहुत बदबूदार हो, इस स्थिति की अगर फाउल स्मेलिंग डिस्चार्जेस हों, फीवर हो और सेप्टिसीमिया हो, तो उसको कंट्रोल मैनेज क्योर करने की होम्योपैथी में दवा दी पेप्टिसिया। पेप्टिसिया टिंटोरिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देती है। एक स्थिति आती है शरीर में गैंग्रीन हो गया हो, ब्लूनेस आ गई हो, रात में तकलीफें बहुत बढ़ जाती हों और सेंसिटिविटी बहुत हो, यदि यह सिम्टम हो तो ऐसी स्थिति में मरीज को ठीक करने की दवा है सेप्टिसीमिया की होम्योपैथी में लकैसिस। लिकैसिस व नीम की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर ऐसी स्थिति में ली जा सकती है। यह दवा मरीज को आराम देगी। एक स्थिति आती है, एक संभावना होती है, मरीज जब सर्जरी के लिए जाते हैं, सर्जरी होने वाली होती है, तो सर्जरी में सेप्टिसीमिया का बहुत संभावना होती है। अगर किसी मरीज की किसी भी स्वास्थ्य की स्थिति की सर्जरी होनी है तो एक रिकमेंडेशन है कि 48 घंटा पहले से हर 3 घंटे पर रस्टॉक्स 200 पावर की उनको दवा देते रहें जब तक सर्जरी के लिए नहीं जाते। एक प्रोफाइलेक्टिक की तरह काम करती है सेप्टिसीमिया की, सेप्टिसीमिया को ब्लड में होने से, ब्लड के इन्फेक्शन को, ब्लड पॉइजनिंग को ब्लड में होने से बचाती है। एक स्थिति हो कि मरीज को शरीर में कार्बंकल्स आ गए हों, कार्बंकल से बहुत ही क्रॉनिक कंडीशन जो मरीज की हालत हो जाती, शरीर बिल्कुल गिरने लगता है, टपकने लगता है, वैसी स्थिति हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी बहुत अच्छी दवा एंथ्रासिनम। एंथ्रासिनम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा मरीज के कार्बंकल्स को भी ठीक करेगी, सेप्टिसीमिया को भी ठीक करेगी और मरीज को स्वस्थ करेगी। ये साथियों को दवाएं थी सेप्टिसीमिया की, ब्लड पॉइजनिंग की। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत दीजिएगा।
ये वीडियो आपको साथियों कैसा लगा अपनी राय कमेंट पोर्शन में लिखिएगा, हमें आपके विचार जान के बल मिलेगा। उनमें कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दें, निवेदन करेंगे। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नए वीडियो प्राप्त करते रहिए। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। We'll be right back.